हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से हिंदी की अपनी कक्षा में, जिसमें हम तत्सम तद्भव का अध्ययन कर रहे हैं। और तत्सम तद्भव के संबंध में ये हमारी चौथी क्लास है। ओके, अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले जाइए उनको देखिए, इसके बाद ये क्लास लीजिए। इससे पहले हमने तीन कक्षाएं अपनी ख़त्म कर ली हैं, और उन तीन कक्षाओं में जो तीसरी कक्षा थी उसका हमने लास्ट वाला जो देखा था वो कुर्दन करके शब्द था, जिसका हमने तत्सम शब्द देखा था। इसके पहले जैसा कि मुझे याद है कुम्हड़ा करके शब्द था जिसको हमने देखा था। ठीक है, तो चलिए फिर, ये अपनी चौथी कक्षा है और वहाँ पर हमने 100 के ऊपर अभी तक तत्सम तद्भव समाप्त कर लिए हैं, और ये आपके अब 100 के अबव हैं। ठीक, चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर शब्द आपके सामने लिखे हैं, तद्भव और तत्सम दोनों शब्द लिखे हैं। दोनों को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाइए। चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला शब्द आप देख पा रहे होंगे लिखा है अनाड़ी। ठीक, अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अनार्य। अनार्य का तद्भव क्या हो जाएगा? अनाड़ी। और अनाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? अनार्य। ठीक, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे आइए, आगे लिखा है अजवाइन। अजवाइन का तत्सम क्या हुआ? यवनिका। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाली जो सीट है, इस सीट में मैंने बहुत सारे शब्दों को छांट छांट के रखा है, और ऐसे शब्दों का भी हमने संग्रह किया है जहां पर आपको थोड़ा सा हट करके शब्द दिखेगा। ओके, तो देखते जाइए। अजवाइन का क्या हमने तत्सम पढ़ा? यवनिका। इसके बाद केहरी का तत्सम हमने क्या देखा? केसरी। केहरी का तत्सम क्या लिखेंगे आप? के हरी का तत्सम क्या लिखेंगे? केसरी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है नांगना। नांगना, नांगना का मतलब क्या होता है, यानी कि तत्सम क्या होता है? लंघन। अच्छा, मतलब क्या होता है नांगना? नांगना नहीं कहते हैं, नाली नांग जाओ, नाली नांग जाओ, यानी कि किसी चीज़ को फांदना, उसको नांगना बोला गया, जिसको पहले लंघन बोला जाता था। तो लंघन जो है ये तत्सम शब्द हुआ, और इसका तद्भव हो गया क्या? नांगला। ठीक है, नांगना। इसके बाद क्या है? पतला। पतला का क्या होगा? प्रतनु। पतला का तत्सम प्रतनु। नेक्स्ट क्या है? परीवा। परीवा का क्या होगा? प्रतिपदा। परीवा का तत्सम क्या हो गया? प्रतिपदा। परीवा का तत्सम शब्द क्या हो गया? प्रतिपदा। इसके बाद क्या शब्द है? भतीजा। भ्रातव्य। भतीजा का तत्सम क्या हो गया? भ्रातव्य। ओके, याद रहेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं, आप समझिए इनको। लहसुन। लहसुन का क्या होगा? लसुन। लहसुन का तत्सम क्या हुआ? लसुन। लहसुन। ओके, आगे आइए, इधर आइए। ताव आया, बहुत ही ताव चढ़ गया, यानी कि ताप। ठीक, ताप का तद्भव क्या हुआ? ताव। और ताव का तत्सम क्या हुआ? ताप। इसके बाद जामुन। जामुन, जमुना। ठीक है, जमुना, यमुना। जमुना तो अब बोला जाने लगा, तो जमुना क्या हो गया? तद्भव। लेकिन उसका मूल शब्द क्या था? यमुना। तो तत्सम क्या था? यमुना। ठीक, बन क्या गया? जमुना। तो जमुना का तत्सम क्या हुआ? यमुना। इसके बाद गाहक। गाहक आव है, ऐसा नहीं, ग्राहक आया है। ओके, इसके बाद अनशन। अनशन सा में डिफरेंस समझिए, आपको तत्सम तद्भव पकड़ में आ जाएगा। ओके, पहली वाली क्लास आपने अगर देखी होगी तो आप एग्जाम में ये शब्द को जरूर पकड़ लेंगे कि अनशन कौन सा अनशन तद्भव है और कौन सा अनशन तत्सम है, ये आप पक्का पकड़ लेंगे अगर आपने पहली का क्लास हमारी देखी है। इसके बाद देखिए मंडूक, मतलब मेढक का तत्सम क्या बन गया? मंडूक। मेढक का तत्सम क्या बना? मंडूक। इसके बाद महुआ। महुआ, महुआ, मधुक। महुआ का तत्सम क्या बना? मधुक। इसके बाद मूछ। मूछ, मूछ, मूछ का तत्सम शमशु। शमशु, ठीक,
मूछ बहुत ही पूछा जाता है, आप ध्यान कर लीजिएगा, ये शब्द बहुत ही पूछा जाता है। मूछ स्वम सु तत्सम शब्द, मूछ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द ध्यान रखिएगा। आगे आइए, यहाँ 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 का तत्सम क्या हुआ, अत्र। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा अत्र तत्र, ठीक है, तो अत्र, अत्र की हिंदी क्या होती थी, यहाँ। तो तद्भव शब्द क्या हुआ, यहाँ, तत्सम शब्द क्या हुआ, अत्र। आगे देखिए, तो यहाँ पर हमने शब्द कौन कौन से देखे, यहाँ का तत्सम अत्र देखा, मूछ का स्वंसु देखा, महुआ मधुक, मेढक मंडूक, अनशन अनशन, गाहक ग्राहक, जमुना यमुना, ताव ताप, लहसुन लसुन, भतीजा भ्रातव्य, परिवा प्रतिपदा, पतला प्रतनु, नांगना लंघन, केहरी केसरी, अजवाइन यवनिका, अनाड़ी अनार्य। ओके, इतने समझ में आ गए, और देखते हैं, चलिए और देखिए। इसके बाद शब्द क्या लिखा, शलोना। शलोना का क्या हो गया तत्सम, शलावन्य। शलोना का शलावन्य। इसके बाद साखी, ठीक है, साखी का क्या बना, साक्षी। साखी का तत्सम क्या बना, साक्षी। अदरक अदरक, आर्दक अर्दक, सॉरी, अदरक अदरक, आर्दक अदरक का आर्दक। इसके बाद जामुन, जामुन का क्या बना, जम्बू। जामुन का क्या बना, जम्बू। आह पराठा परपटा, पराठा का क्या बना, परपटा। पराठा का क्या बना, परपटा। बगुला, बगुला का क्या बना, वक। बगला, बगुला का तत्सम क्या बना, वक। मौसी, मौसी का तत्सम क्या बना, मात्र श्वसा, मात्र श्वसा। लंगोट, लिंगपट। लंगोट का तत्सम क्या बना, लिंगपट। लंगोट का तत्सम क्या बना, लिंगपट। इसके बाद हल्दी, हल्दी का क्या बना, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या बना, हरिद्रा। ओके, तो अदरक का हमने देखा आर्तक, और हल्दी का हमने देखा हरिद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, सियार, सियार का क्या बना तत्सम, श्रृंगाल। सियार का क्या बना, श्रृंगाल। इसके बाद दही, दही का क्या बना, दधि। दही का तत्सम क्या बना, दधि। इसके बाद बहनोई, बहनोई का देखिए, भग्निपति भग्निपति, बहनोई भग्निपति, यानी कि बहन का पति, बहनोई। भूख, भूख का क्या बना, बुभुक्षा। भूख भूख तद्भव, बुभुक्षा तत्सम। पसीना, पसीना प्रश्वेद, पसीना का तत्सम क्या बना, प्रश्वेद। नाई, नाई का क्या बना, नापित। नाई का क्या बना, नापित। दामाद, दामाद का क्या बना तत्सम, जा माता, जा माता। थामना, थामना का तत्सम क्या बना, स्तंभन। थामना का क्या बना, स्तंभन। इसके बाद दाढ़ी, दाढ़ी का क्या बना, दाढ़ी का देखिए, दृष्टिका। क्या बना, दंष्ट्रिका, सॉरी दंष्ट्रिका, ठीक, दंष्ट्रिका। दाढ़ी का दंष्ट्रिका, दाढ़ी का दंष्ट्रिका। देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जिसकी वर्तनी भी इतनी कठिन है कि आपको बोलने में परेशानी होगी, और एग्जाम में अगर आ गया तो बहुत ही परेशानी होगी। तो यही खातिर यहीं पर क्यों ना पढ़ लो, है ना, तो यहीं पर सब कुछ सीख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको नोट डाउन कर लो, और एक बार अपने हाथ से भी निकाल दो, और एक बार अपने मुंह से भी निकाल दो, तो वहां पर तो अपने आप निकल जाएगा। आपको केवल निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है, एग्जाम भी निकालना है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से, ठीक है। दाढ़ी का हमने क्या देखा, दृष्टिका। थामना का क्या देखना, स्तंभन। दामाद का क्या देखा, जा माता। नाई का क्या देखा, नापित। पसीना प्रश्वेत, भूख बुभुक्षा, बहनोई भग्निपति, दही दधी, सियार श्रृंगाल। इतने देख लिए। आगे, हल्दी हरिद्रा, लंगोट लिंगपट, मौसी मातृसुसा, बगुला वक, पराठा परपटा। जामुन का तत्सम जम्बू, अदरक आर्तक, साखी का तत्सम साक्षी, शलोना का तत्सम सलावन्य, शलोना का तत्सम सलावन्य। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने आरसी।
कतत्सम आदर्श भांजा कतत्सम भगिने शुई 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 शुचिका मिठाई मिष्टी ससुराल ससुराल का क्या है स्वसुरालय स्वसुरालय ससुर का आलय स्वसुरालय ससुराल सौत सपत्नी सौत सौत का तत्सम क्या हुआ सपत्नी तमोली तमोली का तत्सम क्या हुआ तांबुलिक तांबुलिक जनेऊ जनेऊ का तत्सम क्या हुआ यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत हाट का क्या हुआ तत्सम हट हाट जिसको बाजार बोलते हैं अब के समय में हाट हाट का तत्सम क्या हुआ हट हीरा का तत्सम क्या हुआ हीरक हींग का तत्सम क्या हुआ हिंगू शगुन का तत्सम क्या हुआ शकुन सुमरन का स्मरण तो यहां से और कुछ समझिए देखिए अगर कहीं भी आपको सुमिरन शब्द देखने को मिल जाए तो वो गलत होता है शुद्ध क्या होता है सुमरन और सुमरन का स्मरण जो होता है ये तत्सम होता है सगुन कहीं नहीं होता है ठीक है शकुन होता है सगुन नहीं शकुन ठीक इसके बाद हींग का तत्सम ध्यान रखना हिंगू हीरा का हीरक हाट का हट ये बाजार का रूप है हाट जनेऊ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यज्ञोपवीत तंबोली तांबुलिक शौत का ध्यान रखना शपत्नी ससुराल का ध्यान रखना ससुरालय मिठाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिष्टी सुई ठीक है एकदम इंपॉर्टेंट है सूचिका भांजा भागने और इसके बाद आरसी आरसी का क्या है आदर्श तो यहां पर हमने तत्सम शब्द और भी जाने सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्रिय भाइयों प्रिय बहनों आप जो भी हैं ठीक है जो भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं इस वीडियो को आपसे मैं बोल रहा हूं इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिए वरना बाद में केवल पछताओगे तो यही होगा अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत तो जब चिड़िया खेत पर बैठ करके चुग जाएगी दाना तो बीज फूटेगा नहीं फसल होगी नहीं तो इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको एक दो बार ज़रूर पढ़ लीजिए ओके तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और इसी प्रकार के तत्सम शब्द और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे कि क्या है तत्सम शब्द क्या है तद्भव शब्द ठीक और भी एग्जांपल्स को हम देखेंगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय धन्यवाद।